In today's classes, we discuss the coordination chemistry basic concept. आज की क्लास में हम coordination chemistry के basic concept discuss करेंगे. Coordination chemistry का first basic concept होता है simple salt. Simple salt क्या होता है कि जब अगर कोई salt decompose हो और decompose होकर एक type का cation और एक type का anion दे, तब हम उसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं. एग्जाम्पल में NaCl, अगर हम NaCl को यहाँ डिकम्पोज कर दें तो आप देख सकते हैं एक सोडियम और एक क्लोरीन आयन बना है, इसलिए ये सिंपल सॉल्ट है. मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है K2SO4. अगर हम K2SO4 को डिकम्पोज कर दें तो ये दो पोटेशियम और एक सल्फेट देगा, लेकिन ये सिंपल सॉल्ट होगा. हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि कितने पोटेशियम बने हैं, पर टाइप तो दो ही है ना, पोटेशियम और सल्फेट. ऐसे ही जब हम एलुमिनियम सल्फेट को डिकम्पोज करेंगे तो इसके डिकम्पोजिशन से हमें दो एलुमिनियम और तीन सल्फेट मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये सिंपल सॉल्ट ही रहेगा क्योंकि एलुमिनियम और सल्फेट मिले. अब हम डिस्कस करते हैं डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या होता है, जब ये डिकम्पोज होगा तो एक से ज्यादा टाइप के कैटायन और एनायन देगा. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल जो ट्वेल्थ के सिलेबस में है, मोहर सॉल्ट. मोहर सॉल्ट में आप देख सकते हैं एक अमोनियम कैटायन है, एक आयरन कैटायन है और एक सल्फेट एनायन है, मतलब दो टाइप के कैटायन इसमें. हम डबल सॉल्ट का सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कार्नेलाइट. आप कार्नेलाइट में देख सकते हैं एक पोटेशियम है, एक मैग्नीशियम है और एक क्लोराइड आयन, मतलब इसमें भी दो टाइप के कैटायन. और हम डिस्कस करते हैं थर्ड एग्जाम्पल डबल सॉल्ट का, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2, जो एक Al का फॉर्मूला है. आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर एक पोटेशियम होगा, दूसरा कैटायन एल्यूमिनियम होगा और एनायन एक ही. अब डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में एक दूसरी खास बात क्या, इसमें आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, मतलब एलम में पोटेशियम एल्यूमिनियम दोनों ही अलग अलग टेस्ट देंगे. फेरस अमोनियम सल्फेट में अमोनियम सल्फेट आयरन अपना अलग अलग टेस्ट देंगे और कार्नेलाइट में के और एमजी और सीएल तीनों ही अपना अलग अलग टेस्ट दे देंगे, मतलब अगर ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल में अगर इन सॉल्ट को दे दें तो हमें दो से ज़्यादा कैटायन और एनायन के टेस्ट मिल सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, इसमें या तो कॉम्प्लेक्स एनायन होगा या कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा या दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, इसमें इंडिविजुअल आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में वो आयंस अपना टेस्ट नहीं देगा जो कॉम्प्लेक्स बना लेगा. एक और इंपॉर्टेंट बात, जनरली कॉम्प्लेक्स के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. अब हमारे पास क्या हुआ, K4Fe6 का एग्जाम्पल है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं आयरन ने और साइनाइड ने कॉम्प्लेक्स बना लिया है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जब ये डिकम्पोज होगा तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है. इसका मीन्स क्या हुआ कि इसमें आयरन और साइनाइड अपने इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे, मतलब अगर हम बच्चे को एनालिसिस में K4Fe6 दे दें तो आयरन का टेस्ट नहीं आएगा. ये NCERT का सेकंड एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन का, कि जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है. जब इस ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम H2S से कराते हैं तो CO2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं आता है. इस क्यों नहीं आता, क्योंकि कॉपर ने क्या किया, अमोनिया के साथ में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया. अब कॉपर की आइडेंटिटी लूज हो गई है, इसलिए कॉपर अपना टेस्ट नहीं देगा. हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ.
हमारे पास है एग्जाम्पल फिशर सॉल्ट का। ये फिशर सॉल्ट का फॉर्मूला है जो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि फिशर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मैग्नस ग्रीन, और नेक्स्ट है रिनमान ग्रीन। रिनमान ग्रीन में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स एनायन कौन सा होता है, तो रिनमान ग्रीन में कोबाल्ट प्लस टू में है और ZnO2, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कोबाल्ट प्लस टू है तो बच्चों ब्रैकेट पर चार्ज क्या होगा, माइनस टू। तो हमने इतने में सीखा सिंपल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। अब हम चलते हैं लिगेंड की तरफ। लिगेंड क्या होता है कि कोई भी ग्रुप और स्पीसीज या आयन जो लॉन पेयर डोनेट करे उसको हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। और कौन से बॉन्ड से करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो जब भी कोई स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लॉन पेयर दे दे तो हम उसको लिगेंड कहेंगे। अब क्योंकि लिगेंड ने लॉन पेयर दिया है तो इसका मींस क्या हुआ, सारे लिगेंड लुइस बेस हो, ठीक है ना। तो जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे के सारे लुइस बेस हो जाए। अब हम चलते हैं डेंटिसिटी के बाद। डेंटिसिटी का मतलब है कि कितने लॉन पेयर वो देगा। अगर किसी ने एक दिया तो उसकी डेंटिसिटी एक हो जाएगी। हिंदी में इसको दंतुकता कहते हैं, पर आजकल इसको लिगेंड ही बोलते हैं। तो अगर किसी ने एक दिया तो एक दंतुक, अगर दो दिए तो दो दंतुक बाइडेंटेट, और तीन दिए तो ट्राइडेंटेट, चार दिए तो टेट्राडेंटेट, पांच दिए तो पेंटाडेंटेट, और छह दिए तो हेक्साडेंटेट। हमारे सामने एक हेक्सामिथाइल ईएन का एग्जाम्पल है, आप एरो से देख सकते हैं, इसमें दोनों नाइट्रोजन लॉन पेयर देंगे इसलिए बाइडेंटेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ऑक्सलेट का, आप देख सकते हैं ऑक्सलेट में दोनों ऑक्सीजन लॉन पेयर दे रहे हैं इसलिए ऑक्सलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 1,10 फिनोथ्रिलीन, आप इसमें देख सकते हैं दो नाइट्रोजन है जो लॉन पेयर देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, बाइडेंटेड। और ये हमारा है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में एक लॉन पेयर ये NH2 देगा और दूसरा ऑक्सीजन देगा, तो ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट में ग्लाई लिखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड में कई सारे टाइप होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड हमको एक लॉन पेयर देगा या मेटल को एक लॉन पेयर देगा। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल है Cl-, एल्कोहल, अमोनिया, RnH2, CO, OH, H2। अब बच्चे का यहाँ जाकर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ऑक्सीजन के पास तो दो लॉन पेयर थे फिर ये एक क्यों देता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, एक एटम एक बार में एक ही लॉन पेयर दे सकता है, ठीक है ना। इसलिए H2O के पास में ऑक्सीजन के पास चाहे दो हो चाहे चार लॉन पेयर हो, देगा एक ही। अब हम चलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर बच्चे को आना ही चाहिए। अगर लिगेंड ऐसा हो कि वो एक बार में एक ही लॉन पेयर दे लेकिन डोनेट करने वाले दो एटम हो, तो ऐसे लिगेंड को एम्बीडेंट लिगेंड या एम्बीडेंट न्यूक्लोफाइल कहते हैं। तो देख सकते हैं साइनाइड में या तो कार्बन देगा या फिर नाइट्रोजन देगा, NO2 में या तो नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा या फिर O देगा, आजकल ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रहा है। फिर SCN में आप देख सकते हैं थायोसाइनेट में या तो सल्फर देगा और आइसोथायोसाइनेट में नाइट्रोजन देगा। फिर फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास साइनेट और आइसोसाइनेट, इसमें या तो नाइट्रोजन या कार्बन देगा। तो हम यहाँ पर समझ गए एम्बीडेंट न्यूक्लोफाइल क्या होते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लोफाइल वो होंगे जो एक बार में एक ही देंगे लेकिन डोनर एटम दो होंगे। अब हम चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एम्बीडेंट मोनोडेंटेट होते। अब आए बाइडेंटेड। बाइडेंटेड वो होंगे जो हमको दो लॉन पेयर देंगे, ठीक है।
तो हम देख सकते हैं सल्फेट में एक ये लॉन पेयर देगा और एक ये लॉन पेयर देगा, इसलिए बाइडेंटेट। ये थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट में एक ऑक्सीजन देगा फिर दूसरा ऑक्सीजन देगा, तो ये भी बाइडेंटेट है। ये है हमारा कार्बोनेट CO3-2, तो CO3-2 भी कैसा हुआ, बाइडेंटेट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं 2,2-dipyridyl। इसमें ये दोनों नाइट्रोजन लॉन पेयर देंगे और जेई और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ट्वेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट आया डीएमजी, ये मोस्टली लिखा हुआ आता है। तो डीएमजी एक बाइडेंटेड लिगेंड है और कैसे देगा, ये एक और एक ये, ओके। अब आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास हाइड्रेजीन है, ठीक है ना, और हाइड्रेजीन में दोनों के पास ही लॉन पेयर है, तो अब ये बाइडेंटेट होगा या मोनोडेंटेट। तो देखने से तो लग रहा है बाइडेंटेट होगा, पर बच्चों ये याद रखना, कभी भी दो पड़ोस पड़ोस वाले एटम लॉन पेयर नहीं देते हैं, उनके बीच में एक और एटम होना चाहिए। मतलब लॉन पेयर कैसे जाएंगे, 1, 3, 5, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब तीन एटम के एक एटम के बाद होना चाहिए। अगर लगातार दो डोनर एटम होंगे तो एक ही लॉन पेयर देगा। इसका मींस क्या हुआ कि हाइड्रोजन एक मोनोडेंटेड लिगेंड और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बाइडेंट लिगेंड और थे जो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, जो ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ऑक्सलेट और ईएन। पूरी ट्वेल्थ की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ईएन ऑक्सलेट से ही ख़त्म हो जाती है, और कॉम्पिटिटिव के लिए ग्लाइसिनेटो और डीएमजी बहुत इंपॉर्टेंट। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं बाइडेंटेट के बाद में पॉलीडेंटेट की तरफ। पॉलीडेंटेट का सिंपल सा मीन्स है दो से ज़्यादा देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है डाईथाइल ट्राईअमीन। तो इसमें क्या होगा, NH2 ये है एक लॉन पेयर देगा, एक छोड़कर दो और तीसरे एटम पर लॉन पेयर फिर से है, तो एक नाइट्रोजन देगा और ये भी नाइट्रोजन देगा, तो कुल मिलाकर ये 3 लॉन पेयर देगा, तो ये ट्राईडेंटेट हो जाएगा। अब हाय हम नाइट्राइलो एसिटेटो, नाइट्राइलो एसिटेट में एक ये नाइट्रोजन देगा, एक ये ऑक्सीजन, थर्ड ये देगा और फोर्थ ये देगा, तो नाइट्राइलो ट्राई एसिटेटो हमें देंगे 4 लॉन पेयर, इसलिए टेट्राडेंटेट हो जाएगा। अब आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जेई में भी आ चुका है, ट्वेल्थ में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और जितने एग्जाम केमिस्ट्री के होते हैं सब में आ सकते हैं। ये एक देगा, ये दूसरा देगा और ये तीसरा देगा, ऐसे ही आप देख सकते हैं ये 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, उसका नाम है फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सीडेंटेड का मींस क्या होता है कि जैसे इस लिगेंड EDTA के पास 6 लॉन पेयर है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये 6 के 6 ही देगा। किसी एग्जाम्पल में 4 दे सकता है, किसी में 5 दे सकता है, किसी में 6 दे सकता है, किसी में 2 भी दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड होगा, ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मोमडन लीगल 4 शादियां कर सकता है, ठीक है ना। तो अब जरूरी तो नहीं है कि सारे मोमडन 4 ही शादी करते हैं, ठीक है ना। तो 4 भी कर सकता है लीगल, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 1 भी कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको फ्लेक्सीडेंटिसिटी कहते हैं। अब आई एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, अगर यहां पर EDTA 6 की तरह काम कर रहा है तो हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बात। अगर EDTA के ऊपर -4 चार्ज है तो ये फिर हेक्साडेंटेट की तरह काम करेगा। अगर EDTA के ऊपर, मतलब EDTA लिखा और EDTA के ऊपर -3 लिखा हुआ है, जैसे ये,
अगर हमने इसको माइनस थ्री लिख दिया तो ये पेंटाडेंटेट हो जाएगा, और अगर हमने इसको माइनस टू कर दिया तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा, अगर हमने इसको माइनस वन कर दिया तो ये छः था, फिर फाइव, फिर फोर, और ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा, और अगर हमने इसके ऊपर से सारा चार्ज हटा लिया तो अब ये बाइडेंटेट हो जाएगा। ये जेईई एडवांस और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देख सकते हैं, इसमें सल्फेट लिगेंड प्रेजेंट है। अब देखने से क्या लगेगा कि सल्फेट तो बाइडेंटेट है, लेकिन यहाँ पर सल्फेट मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है, नहीं बाइडेंटेट की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सल्फेट मोनोडेंटेट की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि कोबाल्ट को सिक्स चाहिए, फाइव अमोनिया ऑलरेडी दे चुका है, तो अब सल्फेट सिर्फ एक ही काम करेगा। तो सल्फेट इस एग्जाम्पल में मोनोडेंटेट और इस एग्जाम्पल में बाइडेंटेट की तरह काम कर, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में सीखा क्या, लिगेंड की टाइप। आज हम इस क्लास में सीखेंगे कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज कैसे निकालते। सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज निकालते समय हमें सबसे पहली बात ये याद होनी चाहिए कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इन पर चार्ज जीरो होगा। ये इलेवेंथ के टॉपिक से आता है, हमने इस आयरन पे चार्ज निकालना, ठीक है ना, ये हमने इलेवेंथ में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा। अब यहाँ पर कितने पोटेशियम है, फोर, तो एक पोटेशियम पर फोर होगा, प्लस आयरन पर बाई मान लिया, साइनाइड पे चार्ज माइनस वन होता है, तो सिक्स साइनाइड पे चार्ज कितना होगा, माइनस सिक्स, और मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, जीरो, इसलिए ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, मेटल पर चार्ज आ जाएगा प्लस टू, तो हम कर देंगे प्लस टू, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास टेट्रा हेक्सा अमोनियम कुछ करके है, तो हमने देखा इस एग्जाम्पल को, और इस एग्जाम्पल में जाकर हमने क्या देखा कि कॉपर का निकालना, तो हमने कॉपर को ले लिया, वाई मान लिया। अब इसमें अमोनिया कितने हैं, सिक्स, अमोनिया सिक्स है, तो अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया पे चार्ज कितना होगा, जीरो, और आप देख सकते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, टू, ठीक है ना, तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, प्लस टू, मतलब कॉपर पे चार्ज कितना, प्लस टू। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल में निकल टेट्रा कार्बोनिल में निकालने की कोशिश की। एक निकालने का तरीका यह है कि मेटल कार्बोनिल में हमेशा, मेटल कार्बोनिल में हमेशा जीरो होती है, पर ऐसा हमेशा नहीं कह सकते, पर आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। निकल के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने Y मान लिया, अब इसके अंदर कितने CO है, 4, पर CO पर जीरो चार्ज होता है, ठीक है ना, तो निकल कार्बोनिल में चार्ज कितना हो गया, जीरो, ठीक बात है। अब हम चलते हैं इस कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब प्लेटिनियम का चार्ज कैसे निकाले, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बच्चों आप ध्यान रखना, मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। अगर प्लेटिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर चार होती है, अगर प्लेटिनियम से चार ग्रुप या छह, चार पांच ग्रुप तक जुड़े हुए, तो प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर टू होती है, और अगर छह से ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं उस केस में प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर, प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर फोर होती है। तो क्योंकि इसमें चार ही ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इसमें प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगी, ठीक है ना, जब ये प्लस टू होगी तो इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस टू चार्ज आ जाएगा। तो हमने देखा प्लेटिनियम इस ब्रैकेट पर माइनस टू चार्ज आ गया, तो जब इस पर माइनस टू होगा तो इस वाले ब्रैकेट पर प्लस टू चार्ज आ जाएगा,
अब अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल, तो प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी। और अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं लिगेंड 4 है, 4 में प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। हम चलते हैं थर्ड एग्जाम, फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। हमने देखा यहाँ पर इसका नाम है फेरिफेरोसाइनाइड और इसको प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं, इसको हम प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं। तो आप इसकी जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि इसमें आयरन बाहर भी है और अंदर भी है, ठीक है, बाहर भी है और अंदर भी है, ठीक है। तो अब इस आयरन पे चार्ज कितना होगा, ठीक है ना, इस आयरन पे, इस आयरन का चार्ज यहां होता है, तो इस आयरन का चार्ज कितना हो गया, 3। तो 4 आयरन बाहर है और एक का 3 नाम है, तो 3 4 12 होते हैं, तो 12 इन बाहर वाले आयरन का चार्ज होगा। अब हमें अंदर वाले आयरन का चार्ज निकालना है, तो हमने उसको वाई एज्यूम कर लिया, हमने उसको वाई एज्यूम कर लिया, ओके। अब साइनाइड कितने, तो साइनाइड कितने हैं, 6 तो है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल साइनाइड हो गए 18। तो 18 साइनाइड पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -18, कितना हो जाएगा, -18। अब इसमें आयरन कितने थे, 3, तो हमने इसको 3 बाई भी कर लिया, ठीक है ना। जब हमने 3 बाई को सॉल्व किया तो आयरन पे चार्ज कितना आ गया, 2। या फिर आपको इसका नाम याद होना चाहिए, फेरी फेरोसाइनाइड। तो फेरी फेरोसाइनाइड मतलब ये +3 है और ये +2। अब हम लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, K3FeCN6। 3 पोटेशियम पर चार्ज हो गया 3, आयरन को हमने वाई मान लिया, 6 साइनाइड पे -6 चार्ज होगा, तो आयरन पे चार्ज कितना हो गया, Y3, ठीक है ना, Y3। अब मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं जो मुझे लगता है कि आ सकता है 2020 में। हमने यहां पर देखा और इसमें पोटेशियम लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर और ये कोबाल्ट मेटल है, तो अब इस पे चार्ज कितना होगा। जनरली मेटल कार्बोनिल पे चार्ज 0 होता है, तो आप देख सकते हैं इसका चार्ज कितना होगा। ये अकेला एग्जाम्पल है जिसमें मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में है, ठीक है। तो एक पोटेशियम पे चार्ज कितना हो गया, 1, कोबाल्ट पे चार्ज कितना हो गया, वाई, और 4 CO पे चार्ज कितना होगा, 0। तो अगर हमने वाई को सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, -1, कितना आ जाएगा, -1। तो ये अकेला एग्जाम्पल है, NCERT की बुक में दिया हुआ है और ये हरियाणा CET में आया था, ठीक है ना। अब मैं फटाफट करूं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है और कोबाल्ट की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है, ठीक है ना, या फिर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते। प्लेटिनियम के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और जब भी 4 लिगेंड जुड़े हुए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर सारे ही कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनिल को छोड़कर +3 होती है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, तो आप देख सकते हैं +3। K3FeCN6 हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, +3। अब आया मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक है, और जी हम ऑलरेडी अभी अभी डिस्कस करके आए हैं कि ये जी में इसकी क्या हो जाएगी, जी में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप कर लें।